एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनू मन्ना। अभी बज रहे रात के 1:30। हम लोग निकले हैं, जा रहे बोरेवली लिंक रोड, क्योंकि हमें लगी है भूख, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हम लोग पहुंचे हैं बोरेवली लिंक रोड के मोनोपोली रेस्टोरेंट पर, जहां पे हम सेकंड टाइम आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, और ये रात के 3 बजे तक ओपन रहता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑर्डर करेंगे। सो, इनका जो मेन्यू है ये प्योर वेज है, यहाँ पे नॉन वेज नॉट अवेलेबल है। तो ये देखिए, इनका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है वैसे तो, और एकदम डिसेंट है, और बहुत ही यूनिक बनाया है उन्होंने। मिडनाइट तक चलता है, लेट नाइट तक। और चले देखते हैं मेन्यू में अभी क्या क्या अवेलेबल है। तो ओपन करते हैं इनको। तो सैलड्स वगैरह है, सूप्स है, और फिर काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, चाइनीज़ वगैरह भी है यहाँ पे। तो देखिए, दूसरे पेज पे स्टार्टर्स है, चाइनीज़ स्टार्टर्स है। फिर दूसरे पेज पे देखते हैं अभी हम लोग और क्या अवेलेबल है। राइस है, नूडल्स है, कॉन्टिनेंटल है, ग्रेवी है, करी राइस, मोमोज भी है इनके पास, वेज मोमोज भी है, और चाइनीज़ नूडल्स, और यहाँ पे सैंडविचेस भी अवेलेबल है, पास्ताज है। तो हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा। तो ये हमने पहले भी खा चुका है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है, तो इसका एक्सपीरियंस हमें ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमने वही रिपीट किया है, फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा। तो देखते हैं अभी कब तक आता है ऑर्डर। तो जब तक कि मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरा चाइनीज़ एंड इटालियन जूसेस भी अवेलेबल है, और इन्होंने पूरे डिशेस के फ़ोटोज़ लगाए हैं अपने वॉल पर, और ऊपर उन्होंने लैम्प वगैरह लगाया है। प्लस उनके यहाँ पे गेमिंग भी है, जैसे कि टेबल पे बैठ के आप लोग इंडोर गेम कैसे खेलते हो घर में, वैसा गेम्स भी है, जैसे कि चेस हो गया, स्नेक्स एंड लेडर्स हो गया, यूनो हो गया। हमारे टेबल पे चेस था, बट चेस मुझे खेलने आता नहीं है। देखिए, चेस हमारे टेबल पे है, बट मुझे खेलने आता नहीं, मिस्टर मोहिते को आता है, बट वो अकेले तो नहीं खेलेंगे, इसलिए वो इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे, और मैं यहाँ वहाँ वीडियोज़ बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो देखते हैं अभी और क्या क्या है यहाँ पे। तो ऊपर का जो लैम्प्स वगैरह है ना, वो काफ़ी अच्छा है, उन्होंने बताया कि ये चालू भी करते हैं कोई फेस्टिवल्स या कुछ ओकेशंस रहता है, तो वो ऊपर से भी लैम्प्स वगैरह अच्छा लगता है जब चालू करते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी पिज़्ज़ा का, एटलीस्ट हम लोग को 10 से 15 मिनट हो गया है हम लोग वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा का। तो देखते हैं अभी आगे। देखिए, मैं भी वेट कर रही हूँ, हमारे प्लेट्स बैठे हैं, मैं अभी वेट कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत लगी है भूख, भूख के मारे हम लोग दोनों को वेटिंग कर रहे हैं हम। और ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, कितना चीज़ी है, आप लोग देख सकते हो कितना चीज़ी है, कितना टेस्टी दिख रहा है, जितना दिख रहा है उतना रियली टेस्टी है, और रियली बहुत ही ऑसम टेस्ट है इसका। और इसका क्वांटिटी जो है ना, चीज़ इतना लोडेड है कि हम 2 जन आराम से खा सकते हैं इसको, और काफ़ी रीज़नेबल है। तो मोहिते ने ले लिए हैं, मोहिते टेस्ट कर रहे गरम गरम, उनको टेस्ट गरम गरम ही मज़ा आता है उनको खाने। अभी वो डालेंगे सॉसेस, क्योंकि वो सिर्फ सॉसेस में खाते हैं, उनको ऑरिगेनो भी नहीं पसंद ना चिली फ्लेक्स पसंद है, तो सिर्फ और सिर्फ सॉसेस में खाते हैं वो। देखो सॉस, देखो उनका क्वांटिटी, देखो इनका सॉसेस डाल के अभी खाएंगे वो, बस इतना, और डालो नहीं गरम है, गरम गर्मा गर्म है, और ये गरम गरम है, और चीज़ इतना रहता ना। देखो, मैं भी खा रही हूँ, पर मैं डालूँगी ऑरिगेनो, क्योंकि मुझे सॉस पर्सनली नहीं पसंद है, सॉस सिर्फ फ्रेंच फ्राइज के साथ अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा वगैरह के साथ नहीं। तो देखो, मैं भी खा रही हूँ, ऐसे ही हमने धीरे धीरे करके पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिया है, लेकिन वन बाय वन जब लेते गए हम लोग तो बहुत ही हैवी हैवी लगा था, क्योंकि अंदर चीज़ वो लोग इतना डालते हैं, इतना टेस्टी है। मैं कभी इतना प्योर वेज खाती नहीं हूँ, बट यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे प्योर वेज बहुत पसंद है। देखो, चीज़ का जो लेयर जो निकल रहा है ना, उसको देख के तो और मतलब लगता है कि वाओ क्या पिज़्ज़ा है। देखो, मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ और खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑरिगेनो के साथ पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी लगता है। और मोहिते तो ये सब्ज़ी वगैरह निकाल के खाते हैं, उनको पसंद नहीं। देखो, ये सॉस डाल रहे, देखो। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी है, और रीज़नेबल प्राइस है, 230 रुपीज़ में मुझे लगता नहीं बाहर मिलेगा। तो देखिए, हमने पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म किया है, हाफ हाफ करके हमने खा लिया एक एक पीस, तो हमने पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म कर लिया है, एक एक पीस बचा है। मुझे तो हैवी हो गया था लास्ट का, बट मैंने कैसा ना कैसा करके उसे भी खा लिया।
हाँ देखो मैंने खा लिया, देखो मेरा फेस देखो, खा खा के अभी हम बहुत ही, ओ हो कितना टेस्टी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये है लास्ट स्लाइस पिज़्ज़ा का मेरा, और अभी हम देंगे बिल और निकलेंगे यहाँ से। जो बिल सिर्फ हुआ है वो है 263 रुपीज़ विद GST इंक्लूडेड, और काफ़ी अच्छा है। मिड नाइट के लिए जिसको क्रेविंग रहता है वो लोग यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। तो आप लोग को हमारा ये फूड ब्लॉग मिड नाइट का कैसा लगा ज़रूर बताना। छोटा सा है बट अच्छा है, और वो रेस्टोरेंट मोनोपोली जो है वो भी बहुत अच्छा है, प्योर वेज है। मैं भी ज़्यादा करके वेज होटल में जाती नहीं हूँ, बट मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं सेकेंड टाइम आई हूँ यहाँ पे, और इसका पिज़्ज़ा तो वर्थ है सिर्फ 230 रुपये में, इतना बड़ा चीज़ पिज़्ज़ा है ना मोहिते। मोहिते हेलो, और ये शॉप है महावीर नगर पे, लिंक रोड पे, बोरेवली महावीर नगर के बीच में लिंक रोड पे, और बहुत अच्छा है, बहुत रीजनेबल है। और वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, टेबल पे हम लोग जब बैठते हैं ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे प्लेइंग के लिए भी है कि हम लोग लूडो खेले, चेस खेले, फिर यूनो गेम है वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो बोर होने का तो ऐसा हम लोग को नहीं खेलता है, बट जिसको जिसको बच्चे लोग वगैरह रहते साथ में तो उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। कुछ बोले मेरे सवा दो, और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।